Assalamualaikum, alaikum. I hope so, you guys all are fine and doing good. So, let's start our vlog. Today's vlog is all about bath and body works. And, yahasimani shopping here This is weekend pay. तो मैंने एक्चुअली हम लोगों ने कुछ गिफ्ट्स लेने थे आ, कुछ फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ फ्रेंड्स के लिए और कुछ घर के लिए भी तो फिर हम लोगों ने जब एंड बॉडी वर्क गए तो हमें लगा कि यही गिफ्ट देने चाहिए और यही आ, सबसे बेस्ट गिफ्ट है और ये एक्चुअली मैं सेकंड टाइम इस शॉप से मैंने बाइंग की है और जो लोग इसकी तारीफ करते हैं और जो कहते हैं कि हाँ जी मतलब ये एक शॉप चलती है तो वो बिल्कुल सही कहते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू बहुत अच्छे इनका मटेरियल और इनकी चीज़ें हैं सो so, और अच्छी डील्स भी लगी हुई थी इसमें स्पेशली दिसंबर में जो है वो बहुत अच्छी डील्स लग जाती हैं लेकिन मुझे चूँकि इतना पता नहीं था तो मैं इतनी अच्छी डील्स नहीं ले सकी लेकिन स्टिल इट्स गर लाइक जो हम पे करते हैं वो वर्थ करता है ये जो है वो पहली प्रोडक्ट है जो कि लास्ट ईयर भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ और डालिया ये बहुत आ, मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है इसके नोट्स भी आपको वीडियो में नज़र आ रहे होंगे एक्चुअली सब बॉडी वॉश लास्ट टाइम मैंने इसका बॉडी लोशन यूज़ किया था और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी और इस दफ़ा मैंने कहा कि वाई नाट ट्राई फॉर बॉडी वॉश और बॉडी वॉश जो है ये भी सेल पर लगा हुआ था और इसकी प्राइस जो है वो आई थिंक सेल में थर्टीन डॉलर थी और विच इज़ फिफ्टी परसेंट ऑफ और आ, इसकी बॉटल जो है वो काफ़ी बड़ी है इसकी पैकिंग और ये मैंने कोई छः सात बॉटल्स ली क्योंकि इसकी खुशबू बहुत प्यारी है और जब आप ये यूज़ करते हैं तो इसको शावर के बाद भी आपके पास से बहुत ज़्यादा खुशबू आती है अच्छी खुशबू आती है लेकिन आपको परफ्यूम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैंने ये आ, कोई छः सात बॉटल्स ली हैं इसकी और इसके आ, वो इसलिए कि ये जब मैं वो साथ में बाथ एंड बॉडी से मैंने बैग्स भी लिए थे और रैपर्स भी लिए थे गिफ्ट रैप्स ना तो वो उनको जब आप बॉटल्स बनाकर मैंने डिफरेंट फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को मैंने आ, गिफ्ट पैक बनाकर दूंगी तो ये सबको एक एक चला जाएगा तो इसके साथ फिर शावर जेल और इसके साथ इनकी बॉडी मिस्ट अभी मैंने बॉडी मिस्ट नहीं लिए बॉडी मिस्ट भी मैं लेके आऊँगी इनके बॉडी मिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं ये इसका दूसरा वर्जन है डार्किस और ये जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी इतनी मीठी स्मेल नहीं है लेकिन इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है आपको पता है कि हम देसी को कोई स्पाइसी खुशबू और इस तरह की नहीं हमें हमेशा मीठी ही खुशबू अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने वही नोट्स खरीदे हैं जिनमें फ़्लावर्स की खुशबू है जिनमें फ्रूट्स की खुशबू है फ्रूटी है और लाइक इस इस, इस तरह की प्रोडक्ट्स सारी ना तो इसकी खुशबू भी अच्छी थी और इसके साथ इसकी खुशबू जो है वो जो नेक्स्ट है ओ माय गॉड मतलब इसकी तो मतलब क्या बंदा कहे कि सबसे बेस्ट है मतलब इतनी बेस्ट है कि ये जो इसके रोज़ पेटल्स हैं इनकी लिटरली ऐसे लगते हैं कि जैसे रियल लाइक फ़्रेश फ्लावर्स हैं रियल तो ऑफकोर्स होंगे लेकिन फ़्रेश फ्लावर्स की खुशबू आती है और ये इसके नोट्स हैं और ये सारी इसकी जो डिटेल है वो सारी दी हुई है लेकिन अगर किसी ने मेरा व्लॉग देख लेना हो तो लाइक उसको इस तरह की खुशबू पसंद हो लाइक मैं बता रही हूँ कि मीठी आ, बहुत अपीलिंग और लाइट खुशबू और बहुत खूबसूरत खुशबू लाइक फ्रेश तो वो ये वाले नोट्स यही जाकर वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं बाथ एंड बॉडी पे और ये पड़े होंगे वहाँ पर ना और ये शावर जेल है इसके अलावा मैंने ज़्यादातर जो है ना वो शावर जेल्स ली थी क्योंकि यहाँ पर जहाँ हम इंडियाना में रहते हैं या अमेरिका में मुझे पूरा अमेरिका का नहीं पता लेकिन कैलिफोर्निया में और इंडियाना में ड्राइनेस हो जाती है सर्दियों में स्पेशली इंडियाना में गर्मियों में तो बहुत अच्छी स्किन रहती है लेकिन सर्दियों में भी ड्राई हो जाती है और कैलिफोर्निया में तो पूरा साल ही स्किन ड्राई रहती है तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन जो है उससे बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ़्ट हो जाती है और इनमें इन्होंने वाइटामस भी डाले होते हैं इसमें दे इंक्लूडेड लाइक बटर स्किन बटर शिया बटर और इस तरह के सारे ingredients हैं ये जितने भी बॉडी वॉश हैं बॉडी लोशन हैं इनके अंदर ingredients बहुत अच्छे हैं मैं आपको बैक साइड भी इसी लिए दिखा रही हूँ आप अगर स्टॉप करके जूम करके देखना चाहें खुद पढ़ना चाहें तो वो खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके वाकई ही मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं लोग कहते हैं कि ये प्राइसी है बट येस इट्स प्राइसी लेकिन वही मैंने जो पहले बात की थी कि यू विल गेट वाट यू पे सो मतलब आपको uh, वो नहीं होगा रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं और कोई चीज़ नहीं है लाइक इट्स इट्स अ थिंग सो येस आई हाईली रिकमेंड अगर आप ये यूज़ करें आपके पास है आप लेना चाहें तो येस गोफ़र एट और इसका टेक्स्चर बहुत क्रीमी है और ये थोड़ा सा यूज़ होता है मतलब ये अगर एक बॉटल है तो ये बॉटल आपकी कई महीनों चलती है ये भी नहीं कि वन मंथ और टू मंथ तो इसी तरह से ये सारे मैं आ, वीडियो बनाते हुए ये देख रही हूँ कि मैंने ज़्यादातर जो है वो बॉडी वॉश ले ली क्योंकि जब आप शॉप में होते हैं ना आप कहते हैं ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो तो मैं और मेरी बेटी गए थे और कुछ मेरी बेटी ने अपनी पसंद की चीज़ें ली कुछ मैंने ली और उसमें हमने ये मैंने ये नोटिस किया कि ज़्यादातर बॉडी वॉश आ गया है और कुछ बॉडी लोशन भी हैं तो ये सारा कुछ जो है ना ये फिर जब पैक करूँगी तो फिर जो है देखूंगी किसके किस साथ किसका पेयर बनता है और इसके अलावा इसमें जो है ये जो ये वे मैं मैं जो ये वाइट वाला आपको दिखा रही हूँ ये जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और एंड दिस वन इज़ एप्पल एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ व्हाट इट इज़ बट इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे पर्सनली फ्लावरी स्मेल बहुत अच्छी लगती है तो मैं फिर जो मतलब रोज़ और जैस्मिन और इस तरह के जो होते हैं वो ज़्यादा जो है वो मैं करती हूँ सेलेक्ट करती हूँ फिर इसके साथ इस तरह के ये सोप्स हैं जिनकी स्मेल आपस में मिलती जुलती है जिनके पेयर्स बन जाते हैं तो इसलिए मैंने दो तीन सोप भी ख़रीदे थे और मैंने कहा था कि ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया ऑनेस्टली लेकिन मेरे दिल में था कि मैं ये कभी लूँगी कभी जाऊँगी तो फिर ज़रूर लूँगी और शुक्र अलहमदिल्ला के अल्लाह ताली ने दे दी ये चीज़ें जो हम सोचते हैं वो भी हमें मिल जाती हैं तो बहरहाल मैं ये भी अशोक भी ट्राई करके देखूंगी और मुझे अच्छे लगे तो मैं ये और लेके आऊँगी अच्छा ये एक ना बॉडी बटर है जो फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में, में बाय की है और ये ये आई डोंट नो इसके अंदर ना ग्लिटर है तो वो जब आप हल्का सा भी लगाते हो ना तो उसके बड़ा ग्लिटरी सा इफेक्ट आता है उसका ना तो ये मैं आपको लगा कर भी दिखा रही हूँ वीडियो में कि इसका ना बहुत लाइट सा मतलब बुरा नहीं लगता लेकिन हल्का सा ग्लिटरी ग्लिटरी सा शो होता है फील होता है तो और स्किन भी थोड़ी मॉइस्ट हो जाती है वही कहने वाली बात है कि ड्राई स्किन जो है वो अच्छी हो जाती है आजकल मेरी भी स्किन जो है सर्दियों की वजह से बहुत खराब हुई हुई है तो यस मैं इसको अपने वॉशरूम में रखूँगी वैनिटी में और मैं इसको यूज़ करूँगी ये हैंड लोशनस हैं ये किचन में जाएंगे और किचन में आपको पता है बर्तन धोने के बाद और इस से लहसुन अदरक की जो है आ, स्मेल आती है सब्ज़ मिर्चों की खाने की तो उसके बाद आप हैंड वॉश कर लें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अलावा ये वाले उनके रैप्स हैं जो कि बैग्स हैं कुछ प्लास्टिक रैप्स हैं इनमें मैं जो हूँ इसको आ, सारा पैक करूँगी और गिफ्ट बनाऊँगी और इन शाह तो आपको ब्लॉग में दिखाऊँगी कि कैस और ये बेस्ट गिफ्ट है बहुत बेस्ट गिफ्ट है अच्छा ये मैंने ना अपने घर के लिए दो तीन कैंडल्स ली हैं इनकी स्मेल भी बहुत अच्छी है उनकी स्मेल मैंने थोड़ी तेज़ ली है मैंने जो लोशन वगैरह लिया ना उनकी स्मेल इतनी तेज़ नहीं ली क्योंकि आम, मैं नहीं समझती कि औरतों को जो है वो बहुत ज़्यादा खुशबू लगानी चाहिए या करनी चाहिए बस ठीक है घर में इतनी सी खुशबू आए अपने कि जो आपके अपने तक रहे लेकिन कैंडल्स की स्मेल बहुत अच्छी स्मेल है और ये इसके साथ कैंडल होल्डर है जो कि जिसमें कैंडल जो है वो फिट होगी और इट्स सरप्राइसी लाइक कैंडल और कैंडल होल्डर्स जो वो थोड़े महंगे थे लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने घर के लिए कैंडल्स बाय कर रही हूँ तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलें मतलब अगर शौक हो और मेरी बेटी को बहुत शौक है कैंडल्स का ना तो हालाँकि मतलब हम इसलिए नहीं कैंडल्स लेके आते कि इसमें लाइक uh, like, uh, थोड़ा हैज़र्ड होता है कि आग बच्चे बच्चों वाले घर में स्पेशली कि इधर उधर ना गिर जाए या किसी चीज़ को आग ना लग जाए थोड़ा थोड़े ज़्यादा हम इस मामले में वहमी हैं तो लेकिन यह है कि हम इस दफ़ा दिल किया और ले ली इसकी खुशबू बड़ी अच्छी थी सो ये पूरा मेरा हॉल था और मुझे लग रहा है चीज़ें थोड़ी कम हैं तो शायद मैं कुछ और भी ख़रीदूँ